कभी ऐसा अभ्यास बनाइए कि जूठन ग्रहण ना करें, इन सब चीजों से पुण्य नष्ट होता है, भजन नष्ट होता है, साधना नष्ट होती है इन सब चीजों से। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये मर्द पत्नी महाराज जी, इनका तो भोजन एक ही थाली में पचता है, इनका बस चले तो एक दूसरे के मुंह में से निकाल के खा ले। और ग्रंथ ने एक इधर से आवाज आई है, वो तो ऐसा करते ही है, इधर से पता नहीं कौन बोला है। तो उस पूजा पाठ का, आराधना का कोई मतलब नहीं है जहां आहार में शुद्धता ना हो। एक थाली में, और सार्वजनिक जगह पर तो बैठ के ऐसा कीजिए ही मत। हमने देखा है पति पत्नी दोनों एक थाली में बैठ के, नहीं अलग लीजिएगा, तो इससे कोई ज्यादा प्रेम थोड़ी हो जाता है। एक महात्मा जी थे चित्रकूट में, 90 दिन में उनके आश्रम में रहा, मुझे कोई अनुष्ठान करना था। उस बाबा जी को ऐसी आदत थी, लास्ट में उनको आधी रोटी छोड़नी है, कटोरे में दाल छोड़नी है। तो एक दिन हमने पूछ लिया वहां किसी को कि बाबा को 5.5 रोटी खाने में दिक्कत नहीं होती, तो फिर ये आधी रोटी अंदर क्यों नहीं जाती? अब 3 महीना हमने देखा, रोज ही देखना होता था, और जूठा छोड़ना नहीं चाहिए, ये जूठा क्यों छोड़ते हैं? तो किसी की हिम्मत नहीं थी बताने की। लेकिन फिर भी उस मंदिर का पुजारी बोला कि इनको अच्छा लगता है जब इनका जूठा कोई खावे। हमने कहा यह आदत तो ठीक नहीं, हमसे नहीं रहा गया, हमने महात्मा जी को पूछा। बोले क्या करें, ऐसा आदत में आ गया है, जब तक ये लोग मेरा जूठा ना खाएं तब तक मुझे ये ही नहीं लगता कि ये लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। मैंने कहा बड़ा अद्भुत आदमी मिला है हमें, कि जिसको जूठा खिलाने से पता लगता है कि लोग मेरे प्रति श्रद्धा रखे हैं, मेरे प्रति सम्मान। और देखिए इन चीज़ों के परिणाम, महात्मा की किडनी फेल हुई, मैं हॉस्पिटल देखने को गया था सतना अस्पताल में, उनकी किडनी फेल हुई थी, रो रहे थे बड़ी जोर से। अब पूछा, कहा महाराज जी मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, लेकिन मैं बड़ी तकलीफ में हूँ और मेरी किडनी फेल हो गई है। मैंने कहा महाराज जी आप बुरा ना मानिएगा, ब्राह्मण बच्चों को, ब्राह्मणों के बच्चे हैं, और वो तो तुम्हारे भय से, तुम्हारे डर से पाम भी छुएंगे, जूठा भी खाएंगे, और ये अपराध हो ही गया है, और आप दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, कष्ट हमें भी है, अपराध आपको ध्यान है, हमारी तुम्हारी चर्चा हुई थी। तो वो बड़े फूट फूट करके रोने लगे। देखिए ये प्रकृति है, यहाँ देर हो सकती है, यहाँ अंधेर नहीं हो सकती। हम लाठी के जोर से किसी से सम्मान लेंगे? हम लाठी के जोर से गले में माला पहनेंगे? अरे भैया जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसकी श्रद्धा को आप रोक नहीं सकते। और हम ये कहें कि हमारा कोई जूठा खा करके और हमें भगवान समझ ले, हमारा ये ठीक नहीं होता। देवसी नारद जी ने भी इसका विरोध किया। आप क्या समझते हैं, पति और पत्नी में एक दूसरे का जूठा खाने से प्रेम होता है? पति और पत्नी में बढ़िया चरित्र के द्वारा एक दूसरे से प्रीति होती है, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, इससे प्रेम होता है। दोनों एक दूसरे का साथ दें, इससे दोनों में प्रेम होता है, इन चीजों से होता है प्रेम। देवसी नारद जी ने बड़ा विरोध किया, जूठन न खाएं, और अगली बात बताई, संशयापन्न मन वाले न बने, हृदय में कोई संशय ना हो। तुम पति पत्नी के बीच में ऐसी कोई बात आती है तो एक दूसरे के सामने उस बात को कह करके मन को हल्का कीजिए, गुढ़ीली मत बनिए। क्या एक से एक सूत्र, क्या अद्भुत दिया है, और नारद जैसा महापुरुष बोल रहा है तो वो बात तो बहुत ज्यादा विशेष है। बहुत लोग मन के बड़े सनकी होते हैं, बक करेंगे नहीं। एक घोड़ा पछाड़ सांप होता है पीले रंग का, वो किसी को डस ले तो आदमी मर ही जाए, बक करे नहीं। काला नाग तो बक करता है लेकिन वो ना बक करे। कुछ लोग मन के ऐसे गुड़ीले होते हैं,
फुंकार मारेंगे लेकिन मन में चल के आ रहा है वो नहीं खोलेंगे। तो मन के गुड़ीले मत बनिए, संशय युक्त जीवन मत जीना। कोई बात है अपनों के सामने उसको खोल के रख दीजिए।